लेकिन जब मैंने ये इंसिडेंट देखा तो मेरे अंदर से सवाल उठा कि उन्होंने ऐसा किया, सबको दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया, लेकिन किया क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, या फिर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, या किसी राज्य का राजा बना दिया जाए, और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि पावर आने के बाद आप उसका कैसे यूज करोगे, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि जब मेरे पास पावर आ जाएगी तो मैं उसका सही से यूज करूंगा, मैं समाज की सेवा करूंगा, मैं अपने सारे जो मेरे को पावर्स मिले हैं मैं उसका सही यूज़ करूंगा, मैं करप्ट नहीं होऊंगा, मैं लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा। रियलिटी तो तभी पता चलेगी जब आपको पावर दे दी जाएगी, जब हाथ में पावर आ जाएगी, उसके बाद अब उसका अच्छा यूज़ करते हो या बुरा यूज़ करते हो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, जब पावर आ जाती है तो वो कैसे करप्ट होती है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि रिसेंटली आपने न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक IAS ऑफिसर आता है, अपनी कार से उतरता है और एक जवान लड़के के पास पहुंचने के बाद पहले उसका फोन लेके वो फोन को जमीन पे देके मारता है, और उसके बाद उसको एक खींच के थप्पड़ मारता है। सिमिलर इंसिडेंट आपने देखा होगा जब अगरतला के एक IAS ऑफिसर एक शादी में घुस के वहां पे एक पंडित को मारते हैं, वहां पे बाकी सारे लोगों को परेशान करते हैं और उसके बाद वहां से सबको भगा देते हैं। मैनी पीपल ऑन सोशल मीडिया हैव टॉक्ड अबाउट दिस इशू कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक IAS ऑफिसर बहुत पढ़ा लिखा होता है, एक जिले का अधिकारी होता है, उसके पास अच्छी खासी पावर्स होती हैं, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को उस IAS ऑफिसर के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जो कि एक तरीके से ठीक है, उन लोगों ने अपने इमोशंस दिखाए सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के। लेकिन जब मैंने ये इंसिडेंट देखा तो मेरे अंदर से सवाल उठा कि उन्होंने ऐसा किया, सबको दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया, लेकिन किया क्यों? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है? जब किसी के हाथ में पावर आ जाती है तो वो उसका गलत इस्तेमाल क्यों करता है? सबसे पहला ट्रेट है कि जब किसी के पास पावर आती है तो वो सिनिकल हो जाता है, यानी कि उसको किसी और के जो पर्सपेक्टिव होते हैं, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके आसपास के लोग, या फिर इवन उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि जो उससे ऊपर हायर रैंकिंग ऑफिसर्स बैठे होते हैं, उनके भी जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं उसको गलत लगने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च दैट हैव बीन मेड ऑन सोशल साइकोलॉजी इन द पास्ट, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहला, जब पावर आ जाती है तो धीरे धीरे उस पर्सन के रिलेशन खत्म होने लग जाते हैं, यानी कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सुपीरियर समझने लगता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, और जिसकी वजह से उसके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। पावरफुल पीपल डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम अदर्स एंड डी वैल्यू देयर परफॉर्मेंस, यानी कि वो लोगों से दूरी बना लेते हैं और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को डी वैल्यू करते हैं, उनको अपने से छोटा समझते हैं। पावर होल्डर्स आर ईगोसेंट्रिक, यानी कि जब उनमें पावर आ जाती है तो वो ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, कंपैशनेट नहीं होते, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपने आइडियाज़ और अपने बिलीव्स को खुद ही वैलिडेशन दे देते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि जो मैंने सोच लिया है वो ठीक है और जो मेरे एक्शंस हैं वो ठीक हैं। ये सब तो मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताए, अब आपको लगेगा कि यार पावरफुल पर्सन के इतने सारे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ रिसर्चेज में ये भी देखा गया है कि जब किसी पर्सन के पास पावर आई है तो उसने उसका अच्छा इस्तेमाल भी किया है, यानी कि उसने अपने आप को बाद में रख के दूसरों को पहले रखा है, यानी कि अपनी कम्युनिटी को, अपने राज्य को, या फिर जो जनता है जिसको उसको देखना है, एडमिनिस्टर करना है, उसको उसने आगे रखा है। अभी कुछ रिसेंट रिसर्चेस भी हुई थी जिसमें ये लिखा था कि काइंड ऑफ हम्बल लैंग्वेज कैन लीड टू अब्यूज ऑफ पावर, यानी कि अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो और धीरे धीरे लोग आपको आइडेंटिफाई करने लगते हैं, आपकी हम्बलनेस को पहचानने लगते हैं कि अरे यार आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत हेल्पफुल हो, और धीरे धीरे ऐसे लोगों की क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको हम्बल मानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको हेल्पफुल मानने लगते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, धीरे धीरे आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती है, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होने लग जाता है कि अरे हाँ सब लोग मुझे कुछ मान रहे हैं, इसका मतलब मैं किसी लायक हूँ, यानी कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर ये चीज़ें धीरे धीरे अगर कंट्रोल में नहीं लाई गई तो इट कैन लीड टू अब्यूज ऑफ पावर। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन है वो ये है कि पावर डज नॉट करप्ट। लोगों को लगता है कि पावर से इंसान करप्ट बनता है, नहीं, पावर डज नॉट करप्ट, इट जस्ट एक्सपोजेस हु द लीडर्स एक्चुअली आर। यानी कि पावर आने से पहले वो जो लीडर था जिसको वो पावर दी गई है, यानी कि पहले वो एक पर्सन था, जब उसको पावर दे दी तो अब वो लीडर बन गया है। पावर आने से पहले उसके प्री एग्जिस्टिंग एथिक्स कैसे थे, यानी कि उसकी थ्रू आउट द लाइफ की जो अपब्रिंगिंग है वो कैसी है, जब वो तैयारी कर रहा था उस पोस्ट पे आने की, या उस पोजीशन के लिए जब वो प्रिपरेशन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, या कुछ भी कर रहा था, इलेक्शंस लड़ रहा था, अगर एक चीफ मिनिस्टर की बात करें, तो उसके प्री एग्जिस्टिंग एथिक्स क्या थे, उसके अंदर का कैरेक्टर कैसा था, वो कैसे सोचता था, उसने किस तरह की चीज़ों को पढ़ा है, वो कैसे एक समाज को देखता है, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ से,
क्या वो डोमिनेट करना चाहता है, क्या उसको पैसे की भूख है, क्या उसको सेक्सुअल नीड्स हैं उसकी, वो पावर आने के बाद फिर वही तरह की चीज़ें करेगा जैसे उसके एथिक्स पहले से थे। यानी कि पावर आने से व्यक्ति करप्ट नहीं होता, पावर आने के बाद रियलिटी पता लगती है कि ये लीडर एक्चुअल में अपनी पूरी लाइफ में इसके थॉट्स और इसके एक्शंस कैसे रहे होंगे। जब पावर आने के बाद वो सब चीज़ें धीरे धीरे दिखाई देती हैं समाज को। ये जो मैंने आपको इंसिडेंसेस बताए कि एक आईएएस ऑफिसर ने एक लड़के को मारा और उसका फ़ोन तोड़ दिया, और दूसरा इंसिडेंट ये था कि वो एक शादी में घुस गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे खूब हंगामा मचाया, इसके पीछे भी तो ये रीज़न हो ही सकता है ना कि उनकी जो लाइफ थी आईएएस ऑफिसर बनने से पहले, उससे पहले उनके क्या थॉट्स थे, उनके अंदर का जो कैरेक्टर था वो कैसा था, डोमिनेटिंग था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर रखने का था, पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का था, किस तरीके के उनके एक्शंस थे, क्या उनकी सोच थी, तो वही शायद हमको उनके एक्शंस में देखने को मिलता है। आपके अपने क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जानना चाहता हूँ। प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थ्रू आउट द वीडियो आई बीन टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। अगर आपको ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, हमारी जो आदतें डेवलप हुई हैं वो क्यों हुई हैं, या ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपके पास मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। एंड माई नेक्स्ट वीडियो इज ऑन हाउ टू मैनिपुलेट अ पर्सन मेमरी, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कि आप किसी पर्सन की मेमोरी को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये दो वीडियो जरूर अच्छी लगेंगी, आप ये वीडियोज देखो। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।